जानिए औरतों का मूड क्यों नहीं होता, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी लड़कों की, शादीशुदा लोगों की ऐसी कंप्लेंट रहती है कि पत्नी का मूड नहीं रहता है, उसको मनाना पड़ता है, वो नहीं बोलती है। फिर अपना मूड होता है तो उसका मूड नहीं, और उसका मूड होता है तो अपना मूड नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो ये जानना जरूरी है कि औरतों का मूड क्यों नहीं होता, या औरतों का मूड बिगड़ता क्यों है। देखिए क्या होता है कि एक तो बच्चा 1 साल के अंदर अंदर, शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चा हो गया, तो बच्चन का लालन पालन पोषण करना, उसका टेंशन, उसको फीडिंग, रात बेरात वो जगना बच्चों ने। कभी कभी क्या होता है, दूसरा भी बच्चा हो जाता है तुरंत 1 साल के बाद, फिर दो दो बच्चे, उनका देखना, तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है उनको, तो उनका फिर सेक्स का इंटरेस्ट निकल जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, आपस में झंझट है, सास बहू की घर घर की कहानी है, उसमें कुछ भी झंझट हो रही है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, घर में बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, फिर थक जाते हैं। फिर कभी कभी कुछ औरतों को शक रहता है, शकिल्लापन। क्या होता है कि घर में कुछ काम नहीं, उल्टा भी होता है, कुछ भी काम नहीं है घर में, आदमी सवेरे गया रात को वापस आ रहा है, फिर इधर उधर की कहानियां सुनती रहती है, टीवी पे देखती रहती है कहानियां, और फिर शक आते रहता है, और कुछ नहीं है प्रूफ, तभी भी उनको लगता है कि नहीं, मेरे हस्बैंड का कहीं ना कहीं होगा, और फिर वो सेक्स के लिए ना बोलती। स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तनाव है, पियर का तनाव है, मतलब उनके पेरेंट्स के तरफ का कुछ तनाव होगा, ससुराल का तनाव होगा, और उसके वजह से फिर उसका इंटरेस्ट चले जाता है। या इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स रहते, फीमेल हार्मोन्स, इसका इम्बैलेंस होना, उसका इम्बैलेंस रहा तो भी तबीयत ठीक रहती नहीं है, और उसके भी परिणाम होते हैं, और उसके उसे भी मूड नहीं होता है। फिर क्या होता है कि स्पेशली स्टडीज ऐसी पाई गई है कि काफी सारे इंडियन वुमेन में, स्त्रियों में बदन दर्द, कमर में दर्द, ये बहुत दिखाई दिया। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स है, जिनको बाहर घूमने नहीं मिलता, बाहर आना जाना नहीं है, घर में बच्चों का देखो, खाना पकाओ, फिर बच्चों का देखो, फिर खाना पकाओ, बाहर जाने को ही नहीं मिलता। कुछ समाज ऐसे है कि जिसमें औरतों को बाहर लेकर जाते ही नहीं है पुरुष वर्ग, वो बाहर जाएंगे, रिसेप्शन में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, रात को 10-11 बजे आएंगे, सेक्स करेंगे, सो जाएंगे, औरत उसके लिए सिर्फ है, ऐसा माना जाता है, उनको कभी बाहर लेके जाते नहीं है। तो फिर ये स्टडीज में आपको बता रहा हूँ कि औरतों को फिर कुछ ना कुछ बीमारी चालू हो जाती है, और बीमारी में हिडन एजेंडा रहता है कि बीमार है तो कम से कम बाहर निकलने का मौका मिलेगा, और वो बाहर जाती रहती है, क्योंकि फिर कमर में दर्द है, पीठ में सचमुच दर्द होता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नाटक करे, ड्रामा पार्टी, एक्चुअली उनको साइकोसोमेटिक इलनेस होता है, डिप्रेशन होता है, उसके वजह से कि भाई उनको कोई हॉबी नहीं, दिमाग में वही विचार, कोई नयापन नहीं, बोरडम, और उसके वजह से डिप्रेशन, फिर उसका सेक्स के ऊपर असर होता है। फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है कि उस समय उनका इंटरेस्ट रहता नहीं है, मतलब जब भी साइकिल आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके पहले 2-3 दिन 4 दिन कुछ लेडीज को चिड़चिड़ापन होता है, इच्छा नहीं होती है, तो वो एक होगा। या फिर कुछ लेडीज को सूखापना रहता है नीचे, उनको सिक्रेशन नहीं होता, वजाना सिक्रेशन नहीं रहता, एक्साइटमेंट रहता नहीं है, सूखापन रहता है, तो फिर उनको तकलीफ होती है, और फिर सेक्स के लिए ना बोलती है। कुछ लेडीज को डिप्रेशन होता है, नर्वसनेस, डिप्रेशन है, और उसके वजह से फिर उनको कोई इच्छा ही रहती नहीं है, फिटनेस बराबर नहीं, वो एक कारण होता है, घुटनों में दर्द है, फिटनेस नहीं है, मोटापन है, पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, और उनको कुछ इंटरेस्ट आता नहीं, उनको मजा ही आती नहीं। फिर कुछ लेडीज का बचपन की गलतियों से सेक्स का इंटरेस्ट चले जाता है। अब बचपन की गलतियाँ कौन सी है? एक तो उसको सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, लैंगिक अत्याचार हुआ है बचपन में, उसकी वजह से डर बैठा हुआ है, घृणा हुई है, या फिर उनके घर में बचपन से ऐसा एक वातावरण है कि नहीं, सेक्स मतलब बुरा, सेक्स मतलब गंदा, उसके बारे में बातचीत नहीं करना, सेक्स के मूवी नहीं देखना, सेक्स का कुछ भी चित्र दिखा टीवी के ऊपर तो टीवी बंद कर देना, ऐसा ऐसा वातावरण कि सेक्स मतलब गंदा है। माँ बाप आजू बाजू में बैठे हैं तो बच्चा आ गया तो एकदम बाजू हो जाएंगे, जैसे कुछ भी गलती उन्होंने किया। हमारे समाज में, हमारे देश में लोग, मतलब बच्चे लोग अपने माँ बाप को आसपास बैठ के प्यार करते हुए देखते नहीं है, झगड़ते हुए ज्यादा देखते हैं, तो वो एक हो सकता है। या फिर वो औरत का विवाह भाई संबंध है, उसके वजह से उसको घर में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ऐसे अनेक कारण होते हैं कि जिसके वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर अभी इंटरेस्ट है तो आपको ये देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्यों नहीं है भाई, उनको मजा नहीं आ रही क्या, क्या वो सेक्स एंजॉय नहीं कर रही क्या। और सबसे बड़ा कारण जो है एंजॉय नहीं करने का, कि उसको वो जो चरम सुख मिलता है वही मिलता नहीं सेक्स में। इंटरकोर्स करने में पुरुष को इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि योनि में लिंग का प्रवेश करो, इजैकुलेशन करो, बाजू हो जाओ। स्त्री को तब तक शुरुआत भी नहीं हुई तब तक ये खत्म भी हो गया, तो उसको लगता है कि ये क्या कर रहा है, आता है करता है कुछ तो भी चले जाता है, मजा ही नहीं आती, फिर वो ना बोलती। तो हर पुरुष का ये काम है कि उसको चरम सुख
चरम सीमा पर लेके जाना, चरम सुख ऑर्गेजम तक लेके जाना और उसने पूरा एंजॉय करना हर सेक्स एक्टिविटी में हर बार, और उसके लिए फोर प्ले करना, इंटरकोर्स और आफ्टर प्ले ये पूरा करना जरूरी है। वो यदि करते हैं तो हर स्त्री हर इंटरकोर्स एंजॉय करेगी और फिर वो कभी ना नहीं बोलेगी। फिर उसके बाद में भी देखना पड़ेगा कि उसका मूड है नहीं है, क्या तकलीफ है, मतलब समझो आप पुरुष घर पे आता है तो भाई दिन भर में क्या हुआ, क्या परेशानी थी, कौन सा मूड है, कौन से मतलब क्या क्या तकलीफ दिया बच्चों ने, क्या परेशानी हुई, मतलब वो जरा सुन लेते हैं उसकी बात, उसके साथ में बातचीत करते हैं, गपशप मारते हैं, कभी खाना पकाने के लिए मदद करते हैं अपने पत्नी को, या फिर खाने के बाद में थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं, तो फिर डेफिनेटली सेक्स में इंटरेस्ट होगा। नहीं तो होता क्या है कि भाई ये आता है लेट, खाना खाता है, सेक्स करता है, सो जाता है, फिर सवेरे उठता है, फिर तैयार हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, तो उसको सेक्स में इंटरेस्ट ही निकल जाता है। तो सेक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है या औरतों को इंटरेस्ट क्यों नहीं है, यदि बात आप जान लेते हैं, सुन लेते हैं, तो डेफिनेटली उसका इलाज कर सकेंगे। और हर स्त्री पुरुष ये जो अपनी सेक्स की जो इच्छा है, भूख है, उसको पूरी करेगा तो अपने जीवन में आनंद, समाधान, सुख, शांति मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हर पति पत्नी ने वीडियो देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।